अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mzsoft.com। इस वीडियो सीरीज़ में हमने बनाया है एक सिंपलेस्ट इन्वॉइस मेकर, जो कि मैं आपके सामने इस वक्त लेकर आता हूं। इसके ऊपर यहां पर आपकी शॉप का नेम है, यहां पर एड्रेस है और यहां पर आपका फ़ोन नंबर है, यहां पर क्वांटिटी है और यहां पर प्राइस है। इसी तरह आप क्वांटिटी प्राइस और क्वांटिटी प्राइस देकर फास्टली अपनी बिलिंग को कर सकते हैं, और एंड के ऊपर आप ये बटन दबाएंगे तो आपके लिए एक इन्वॉइस जनरेट होगी, जो कि आप थर्मल प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट कर सकेंगे। इस वीडियो में हम इसके कुछ एडिशनल फीचर्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सारे का सारा काम जो है वो अपने कीबोर्ड्स के साथ कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने, अगर कोई यूज़र इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख देता है और यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख देता है तो ये एरर जनरेट करेगा, उस एरर को हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो बॉक्सेस की। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे जो सिर्फ नंबर्स हैं वो एंटर हों, जबकि जो हमारे बाकी लेटर्स हैं एबीसी वाले, वो इसके अंदर कोई भी अगर कोई यूज़र प्रेस करता भी है तो फिर भी वो ऐड ना हो सके। तो आइए चलते हैं, क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो इसका इवेंट है वो लेते हैं की प्रेस, की प्रेस के अंदर आते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम एक कोड डालेंगे। ये हमारा कोड है, ये आप देखिएगा ये क्या चीज़ है। इसमें है कि इफ़ नोट इज़ न्यूमेरिक ई डॉट की करेक्टर, यानी कि अगर करेक्टर जो है वो यूज़र ने जो प्रेस किया है वो न्यूमेरिक ना हो, या फिर वो डॉट ना हो, या फिर वो बैक स्पेस ना हो, यानी कि तीन चीज़ें हमने इसको अलाउ की हैं, बाकी सब चीज़ें हमने यहाँ पर इसको बैन की हैं। और ये नीचे वाले पोर्शन में ये है कि अगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में सिर्फ एक बार डॉट आ जाता है तो उसके बाद जो डॉट होगा वो अलाउ नहीं है। तो टी बॉक्स क्वान्टिटी में भी यही सिचुएशन है और टी बॉक्स प्राइस में भी यही सिचुएशन है, इसको भी हम इसके साथ ही मैनेज कर देते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर एक काम किया है छोटा सा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इसके ऊपर 1, 2, 3 लिखेंगे या डॉट लिखेंगे तो ये चलेगा, लेकिन अगर एबीसी वाला कोई भी लिखेंगे तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं होगा, और ये सिचुएशन इस प्राइस वाले बॉक्स के साथ है। इसके बाद हम एक और छोटा सा काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इसके अंदर कोई वैल्यू डाले और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाए तो उसका कर्सर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर वैल्यूज लिखे और एंटर का बटन दबाए तो उसका जो सिलेक्शन है, जो फोकस है वो यहाँ पर आ जाए। तो देखिए ये कैसे करते हैं, डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पर हम चलेंगे की डाउन इवेंट में। की डाउन इवेंट में हम लिखेंगे इफ़ ई डॉट की कोड एंटर, देन अगर एंटर दबाएगा यूज़र तो क्या होगा, सेंड्स कीज डॉट सेंड, और सेंड हमें क्या करेगा, टैब, यानी कि जो एंटर की होगी वो एज ए टैब की आपका काम करेगी। एल्स एग्जिट सब, और अगर इसका जो साउंड है उसको हमने ख़त्म करवाना है तो इसके लिए हम कर देंगे इसको ट्रू। तो यही काम हम इसके लिए करेंगे और यही काम हम करेंगे टी बॉक्स प्राइस के लिए, कि डाउन इसका इवेंट हम यहीं पे साथ ही इसके लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब आप देखिएगा इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, एंटर दबाएँगे, फिर वैल्यू डालेंगे, एंटर दबाएँगे तो ये ऐड पर आएगा, एंटर दबाएँगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसके ज़रिए से आपकी बिलिंग मज़ीद फास्ट हो जाएगी। इसके बाद इस पर एक और काम करते हैं, आते हैं यहाँ पर और इसको हम करते हैं थोड़ा सा खुला, और इसको करते हैं हम थोड़ा सा इस तरफ, और इन दोनों इसको करते हैं थोड़ा सा खुला, और यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, इनको थोड़ा सा इधर लेकर आ देंगे, और इसको करेंगे थोड़ा सा स्मॉल, और क्वांटिटी को करेंगे इसके साथ, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल सी और वी, यहाँ पर हम लेंगे आइटम नेम, इसको हम कर देते हैं आइटम नेम। तो अब क्या है, अब ये सूरत हाल है कि हमने इसमें आइटम नेम देना है, क्वांटिटी और प्राइस देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो टैब ऑर्डर है उसको सही करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने इसका टैब ऑर्डर दुरुस्त किया है, और इसको हमने जो उसका जो की डाउन इवेंट बनाया था उसमें हम यही चीज़ लगा देते हैं अपने, इसका पहले हम नाम चेंज कर लें, टी बॉक्स आइटम नेम। और अब हम क्या चाहते हैं कि जब इसके अंदर यूज़र वैल्यू लिखें और उसके बाद वो एक स्पेस लेकर नीचे आएंगे, यहाँ पर हम इसको टी बॉक्स आइटम नेम के की डाउन इवेंट में भी
यही चीज़ लगा देते हैं। और एक बार हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा बटन है, ये जहाँ पर हमारा ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टी बॉक्स आइटम नेम डॉट टेक्स्ट, यानी कि टी बॉक्स आइटम नेम से ये टेक्स्ट उठा ले और उसको नीचे टेबल में दर्ज करवा दे। तो अब देखिएगा क्या सूरत हाल बनती है। आइटम नेम कप, क्वांटिटी 2, प्राइस 12, कप। अब ये क्लियर नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि ये क्लियर भी हो जाए, तो हम कहाँ पर आएंगे, क्लियर बॉक्सेस में, और यहाँ पर हम लिखेंगे टी बॉक्स आइटम नेम डॉट क्लियर। तो अब दोबारा से देखते हैं, बल्कि और हमने यहाँ पर इसको ये भी करवाना है कि टी बॉक्स आइटम नेम पर ये फोकस हो जाएगा आइटम को नीचे ऐड करने के बाद। तो अब यहाँ पर आएंगे कप 2, 10, इसके बाद ये वाटर 1, 30, इसके बाद टी 2 एंड 30 एंड प्रिंट, दैट्स इट। ये है जी हमारी इनवाइस जो कि हमने आइटम नेम के साथ यहाँ पर जनरेट करवाई है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारे बटन्स हैं, ये वाले 1, 2, 3 और 4 बटन्स हैं, इनको हम किस तरह से अपने कीबोर्ड से जो शॉर्ट कीज़ हैं वो असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।